हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है फेसबुक मोनेटाइजेशन के ऊपर, कि कैसे आप फेसबुक से भी अर्न कर सकते हो। क्योंकि गाइस, क्या हो रहा है, यूट्यूब पे से तो काफ़ी लोग अर्न कर रहे हैं एंड फेसबुक के बारे में आज अभी भी किसी को नहीं पता। यूट्यूब तो एक ऐसा ब्रांड बन चुका है, लेकिन फेसबुक भी एक ब्रांड है, लेकिन लोग उसको पता नहीं है। लोगों को अभी तक थोड़े बहुत को पता है, थोड़े बहुत को नहीं पता कि फेसबुक से भी अर्निंग होती है, आप फेसबुक पे भी अपनी वीडियो को मोनेटाइज करके अर्न कर सकते हो। तो गाइज, इस वीडियो में यही मैं बात करूंगा कि कैसे अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज कराना है, क्योंकि मैं भी अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करा चुका हूँ। सिर्फ मैंने 1 मंथ 15 डेज में अपना पेज मोनेटाइज करवा लिया है गाइज। तो आपको मैं अपनी टिप्स दूंगा कि कैसे मैंने अपना फेसबुक पेज मोनेटाइज करवाया एंड कैसे आप अपना पेज मोनेटाइज करवाएंगे। तो सिंपली गाइज, मैं चलिए शुरू करता हूँ। मेरा नाम है पीयूष धर, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो गाइज, मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। सिंपली गाइज, आपको करना क्या है, सिंपली आपको डेली गाइज 3 to 4 पब्लिक पोस्ट करनी है अपनी, नॉर्मली अपने फेसबुक पेज पे। वीडियो नीचे लॉन्ग गाइज, जितनी लॉन्ग वीडियो होगी जितना, और कंटेंट गाइज हमेशा अच्छा रखिएगा। ये नहीं कि आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ भी पोस्ट कर दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई देखेगा नहीं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सिंपली आपको लॉन्ग वीडियोज़ पोस्ट करनी है, जो कि मैंने किया गाइज। मैंने ये 1 मंथ 15 डेज में अपना पेज मोनेटाइज करवा लिया था, तो इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी अपना फेसबुक से जल्दी अर्न कर सकें। क्योंकि गाइज, यूट्यूब पे तो आजकल बहुत टाइम लग जाता है वॉच टाइम कंप्लीट करने में, देन सब्सक्राइबर्स भी, तो लोगों को यूट्यूब पे तो प्रॉब्लम आती है, फेसबुक पे लेकिन गाइज यूट्यूब से इजी लगा मुझे। मेरे को, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को फेसबुक पे ज़्यादा इजी लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देन गाइज, आपने लॉन्ग वीडियोस करनी है, तो पहली बात तो डेली 5 पोस्ट डालनी है गाइज, आपने टैग्स डालना मत भूलना गाइज। देन थर्ड वन गाइज, आपने सब टाइटल कैप्शन पूरा प्रॉपर डालना है। फोर्थ वन गाइज, आपने वो करना है, उस पर थंबनेल लगाना है अपना अच्छा सा, जिसपे लोग देख के उसको अट्रैक्ट हो गाइज। ये नहीं कि आप कुछ भी डाल देंगे एंड लोग देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। कुछ लोगों को कंटेंट चाहिए, कंटेंट अगर अच्छा होगा तभी लोग देखेंगे, अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो कोई बेनिफिट नहीं है। एक वीडियो देख भी लेंगे तो कोई आपको बेनिफिट बाद में नहीं होने वाला। तो आप कंटेंट हमेशा अच्छी रखिए, अपनी क्वालिटी कंटेंट की HD डालना है अपने कंटेंट भी, मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, अपने आपके कंटेंट की। देन उसके बाद गाइज, आपने डेली उसको करना क्या है, ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, अलग अलग ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं जिसमें आपका, जिससे रिलेटेड आपका कंटेंट है। जैसे मान लीजिए मेरा कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, तो मैं अगर अपनी वीडियो शेयर करूँगा तो मैं कहाँ शेयर करूँगा, मैं शेयर करूँगा गाइस डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स में। क्योंकि क्या होगा गाइस, अगर मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो फूड के पे ग्रुप में शेयर कर दूँगा फेसबुक के ग्रुप में, तो उसको कितने परसेंट लोग देखेंगे। बट मैं अपनी वीडियो, अगर यही वाली वीडियो मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स में शेयर करूँगा तो उसको कितने लोग देखेंगे, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो गाइज, आपको भी ऐसा ही करना है, अपने से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन कर लेने। जैसे अगर आप फूड के हो तो फूड पे शेयर कर सकते हो, जॉब्स से रिलेटेड आपका वो है कि गवर्नमेंट जॉब्स, अगर आप कुछ करते हो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर, टिप्स देते हो जो भी कुछ भी करते हो, तो उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हो। तो सिम ऐसे ही अगर आप सिम डिफरेंट डिफरेंट अपने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एंड सिंपली उसको शेयर करना है आपने। लेकिन गाइज, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, ग्रुप में जब भी शेयर करोगे आपको 7 to 8 करने हैं बस, इससे ज़्यादा मत करना। क्योंकि क्या होता है, फेसबुक आपको टेम्परेली ब्लॉक कर देगा। टेम्परेली ब्लॉक मतलब होगा कि आप वैसे आपका अकाउंट खुला रहेगा बट आप शेयर नहीं कर सकते, किसी भी ग्रुप में शेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको 4 से 5 दिन के लिए टेम्परेली ब्लॉक कर देता है अगर आप एक साथ 15 to 20 ग्रुप में शेयर कर दोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको एक दिन में 6 से 7 बार शेयर करना है बस, इससे ज़्यादा मत करना। मैं पहले आपको बता दिया कि वरना अगर आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने अभी आपको पहले बता दिया। तो आपको रोज़ पहले तो ये करना है। देन गाइस, आपको रोज़ डेली 4 to 5 पोस्ट डालनी है, वीडियो अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग डालनी चाहिए गाइस। ये नहीं कि आपको खाली मोनिटाइज करवाना है, आप उसमें इमेजेस भी शेयर कर सकते हो। देन आप इमेजेस तो कर ही सकते हो, जिफ्स हो गई एंड अलग अलग चीज़ें शेयर करो गाइज, उसमें जितना हो सके उसको अपने
पेज को अच्छा दिखाओ, लोगों को अच्छा दिखाओ, पिन करो पोस्ट आगे कि जो आपकी वीडियो है वो उसको लोग देखें, जिसको सबसे ज़्यादा कमेंट मिले, जिसको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले, जिसको सबसे ज़्यादा लोग देखें, उस वीडियो को आप अपने फर्स्ट पेज पिन करके ऊपर रखो कि आते लोग उसको देख लें। देन गाइस, लोगों को अब ये प्रॉब्लम आती है कि हम अपने इंस्टाग्राम फेसबुक के फॉलोअर कैसे बढ़ाएंगे पेज के। तो गाइस, फेसबुक के पेज के फॉलोअर्स तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, तो फेसबुक के पेज के फॉलोअर्स भी आप इजीली बढ़ा सकते हो। सिंपली कैसे बढ़ाने हैं, तो गाइस सब इसका तो एक ही वे है गाइस। सबसे पहले तो थोड़े बहुत तो आपको फ्रेंड्स को इनवाइट करना ही पड़ेगा अपने, क्योंकि गाइस एक भी अगर फॉलोअर्स नहीं होगा तो जो नए बंदे भी आएंगे आपके पेज देखेंगे, चेक करेंगे, तो उनको लगेगा कि ये नया पेज है एंड फॉलोअर ही नहीं है, फॉलोअर ही बिल्कुल जीरो है, तो वो फॉलो नहीं करते। तो सिंपली आपको फॉलोअर्स भी बढ़ाने हैं अपने, क्योंकि गाइस फेसबुक का मोनेटाइजेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको 1000 फॉलोअर्स चाहिए एंड 30,000 मिनट्स व्यूज़ चाहिए अपनी सारी वीडियोस पे, 2,40,000 मिनट्स व्यूज़ चाहिए वो भी सारी वीडियोस पे, 3 सेकेंड मिनट व्यूज़ भी चाहिए आपको सारी वीडियो पे। ऐसे टोटल करके चार उनके मोनेटाइजेशन के वो हैं, तो एक बार वो भी आप देख लीजिए फेसबुक क्रिएटर्स पे, आपको पता चल जाएगा कि पूरा प्रॉपर मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है क्या, उन्होंने पूरा प्रॉपर लिख रखा है। तो देन गाइज, वो भी आपको इजीली हो जाएगा अगर आप ये चीज़ मेरी टिप्स फॉलो करोगे, देन गाइज आपका पेज फेसबुक पेज मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार एक लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।